मूर्तिकारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना की मार झेली, वहीं प्रशासन की गाइडलाइन से भी हो रहा है उन्हें नुकसान। शहर के मूर्तिकारों ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण गणेश उत्सव में जहां गणेश जी की प्रतिमाओं को स्थापित करने के दौरान प्रशासन द्वारा मंजूरी न दिए जाने के चलते उनका व्यापार प्रभावित हुआ था, वहीं नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापनाओं को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन है कि 6 फीट से कम मूर्ति स्थापित करने के आदेश पर उन्हें वह इनकम नहीं हो पा रही है जिसकी उन्हें आशा थी। मूर्तिकारों ने बताया कि 6 फीट से कम मूर्ति बनाने के आदेश पर समितियों द्वारा उन्हें ना ही भरपूर पैसा दिया जा रहा है और ना ही मूर्ति लेने वाले पहले की तरह उनके पास आ रहे हैं, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम संतोष चक्रवर्ती। कहाँ पे? यानी बगा के रहने वाले। क्या करते हैं आप? मेरा काम जी मूर्ति बनाना है। जब से लॉकडाउन लगा गणेश जी की प्रतिमा बनाने को नहीं मिला, और अभी जैसे तैसे जी अपन को ऑर्डर मिला, मतलब परमिशन मिला दुर्गा जी बनाने के लिए, तो इसमें छोटी मूर्ति का ऑर्डर दिया गया और समझ लो कुछ समिति वाले ने कैंसिल कर दी, घर ही नहीं रहे, तो इसमें भी हम लोग का बहुत ज़्यादा घाटा है भाई। 2 सीजन हम लोग कर लेते रहे तो कुछ खाने पीने को हो जाता रहा, जब से ये लॉकडाउन लगा बहुत ज़्यादा परेशानी में है। किस प्रकार की परेशानी जा रही है? अरे हर ही चीज़ में तो परेशानी जा रही है अपन को, मतलब पैसे से सब सामान भी महंगा है, सब सामान महंगा मिल रहा है। कोई सामान ऐसा है नहीं है कि जो सस्ता मिलता, जब पहले मतलब ये लॉकडाउन नहीं रहा तो सभी चीज़ सस्ते मिलते रहे। पहले मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती थी, मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती रही, बड़ी मूर्ति बनती थी, बड़े पैसे मिलते रहे। अब छोटी मूर्ति बन रही तो और समिति और छोटे में आ गई है, बस वो काम चलाओ सरकार चल रही इस तरह। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष चक्रवर्ती है। कैनन न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।